हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि हम हलवाई जैसा पनीर घर पर किस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा मुलायम बनकर आता है और घर पर हम इसे बनाकर तैयार कर रहे हैं तो ये केमिकल फ्री भी होता है और बहुत ही ज्यादा हेल्दी बनता है। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, मैंने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है। आप पनीर बनाने के लिए फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल करें, इससे पनीर बहुत ही ज्यादा अच्छा बनकर आता है। अब हम एक भिगोना ले लेंगे और उसके अंदर दूध को डाल देंगे। दूध निकालकर हमने तैयार कर लिया है, अब हम इसे उबालेंगे। ये देखिए, दूध को उबालने के लिए हमने मध्यम आंच पर इसे रख दिया है। इसके अंदर एक उबाल आने दीजिए। दूध में उबाल आ रहा है, आप एक नींबू लीजिए। ये देखिए इस साइज का मैंने नींबू लिया है, इसका रस इस कटोरी में निकाल लीजिए। ये देखिए नींबू का रस हमने निकाल कर रख लिया है। ये मेरा 2 टेबलस्पून नींबू का रस निकल कर आया है, मैंने इसे नाप करके इसी कटोरी में डाल दिया है। अब जितना आपका नींबू का रस है उतना ही आप इसके अंदर पानी डालिए। मेरा 2 टेबलस्पून नींबू का रस निकल कर आया है तो मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून ही पानी ऐड कर दे रही हूँ। दूध फाड़ने के लिए हमारा नींबू का रस तैयार है। अब हम दूध को चेक कर लेते हैं उसमें उबाल आ गया होगा। ये देखिए दूध में उबाल आ गया है। अब आप इसे लगातार चला लीजिए और इसकी गैस एकदम धीमी कर दीजिए इस तरह से। ये देखिए मलाई इसके अंदर मिल जानी चाहिए सारी, आप मलाई को अलग ना निकालें। और ये देखिए ये अच्छी तरह से मिल चुका है। अब इसकी गैस आप बंद कर दीजिए और इसे 30 सेकंड तक ठंडा होने दीजिए। ये देखिए मैंने गैस से हटाकर दूसरी गैस पर रख लिया है ताकि वो जो गैस की हीट है वो इसे लगे ना। अब 30 सेकंड हो चुके हैं। अब जो हमने नींबू का रस बनाकर तैयार किया था वो एक एक चम्मच करके डालिए, एक साथ ना डालें, एक एक चम्मच करके ही डालें और बहुत ही हल्के हाथों से इसे इस तरह से चलाएं। ये देखिए मैं बिल्कुल भी जोर नहीं ले, बिल्कुल हल्के हाथों से बस इसे हिलाना है, मिलाना भी नहीं है, बस हल्का सा हिलाना है। जैसे ही ये मिल जाए अब दोबारा डालिए। इसी तरह से आपको सारा नींबू का रस खत्म करना है। ऐसा करने से आपका पनीर बहुत ही ज्यादा नरम बनेगा। अगर आप एक साथ सारा डाल देंगे और सिर्फ नींबू का रस डालेंगे, पानी मिलाकर नहीं डालेंगे, तो आपका पनीर बहुत कड़क बन सकता है और वो खाने में भी स्वाद नहीं लगेगा। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हिलाइए। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि आप जब गैस बंद कर दें और 30 सेकंड तक इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन आने दें जब भी इसके अंदर नींबू का रस डालें। ये देखिए आप देख सकते हैं पनीर धीरे धीरे मेरा निकलना शुरू हो रहा है। अभी भी मेरा नींबू का रस बचा है तो मैं ये सारा इस्तेमाल कर लूंगी ताकि हमारा पनीर अच्छी तरह से निकल कर आ जाए। ये देखिए आप देख सकते हैं सारा पनीर और पानी अलग ही हो चुका है। तो लास्ट में मैं ये सारा एक साथ ही डाल देती हूँ और इसे हल्के हाथों से हिला लेंगे। ये देखिए सारा पनीर हमारा निकलकर तैयार है। आपको दिख रहा होगा पानी अलग हो चुका है और पनीर, आप ये खुद देखिए ये मुलायम पनीर कितना लग रहा है देखने से ही। अगर आप नींबू का रस गरम गरम दूध में डाल देते हैं तो आपका पनीर हार्ड हो सकता है जिससे वो खाने में स्वादिष्ट नहीं लगेगा और बाजार जैसा नहीं बनकर आएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए गैस बंद करके ही इसके अंदर नींबू का रस डालें और नींबू के रस के अंदर पानी जरूर डालें। ये देखिए एक छलनी लीजिए और उसके नीचे एक बर्तन रख दीजिए। अब इसके ऊपर मलमल का कपड़ा या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा बिछा दीजिए। मैं एक हैंकी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऐसा करने के बाद हमने जो पनीर निकाल के रखा था उसे आप छान दीजिए बहुत ही सावधानी से। पनीर डालने के बाद इसके ऊपर मैं 1 कप के आसपास पानी डाल दूंगी। ये सादा पानी है, ना ज्यादा ठंडा ना गर्म। ये देखिए पानी डालने के बाद आप इसे इकट्ठा कर लीजिए इस तरह से और अब हम छलनी को हटा देंगे। छलनी को हटाने के बाद आप इसे इसी पानी में 2 से 3 बार इस तरह से डिप कर लीजिए। ये देखिए ऐसा करने से आपका पनीर कपड़े पे बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। पनीर के पानी में 3 से 4 बार डिप करने के बाद आप सादा पानी लीजिए एक बर्तन में और इसमें भी इसे 2 से 3 बार डिप कर दीजिए इस तरह से।
ये देखिए कुछ बार डिप करने के बाद अब आप इसे निचोड़ लीजिए इस तरह से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, दबाव मत दीजिएगा, बिल्कुल हल्के हाथों से बस जितना पानी निकले उतना निकाल लीजिए। उसे हाथ से निचोड़ने के बाद आप एक बोर्ड लीजिए या फिर ऐसी प्लेट लीजिए जो बिल्कुल प्लेन या सपाट हो। अब इसके ऊपर हम पनीर को रख देंगे इस तरह से हल्का सा दबा के, और इसके ऊपर अब कोई भी भारी चीज रख दीजिए जिससे सारा पानी इसका निकल जाए। ये मेरे पास बहुत ही भारी वाला जिसके अंदर हम चटनी पीसते वो है, और इसे मैं इसके ऊपर रख दूंगी। ये भी मेरा नीचे से बिल्कुल सपाट है तो पनीर एकदम हमारा सीधा बनकर आएगा। और अब इसे 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। 3 घंटे हो चुके हैं, हम इसे चेक कर लेंगे। ये वेट हटाइए आप सबसे पहले, और ये देखिए हम पनीर को चेक कर लेंगे। और ये देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा पनीर बनकर तैयार है। और ये देखिए पनीर को मैंने बोर्ड पे रख लिया है, अब हम इसे कट करेंगे। और ये देखिए कितनी इजीली कट हो गया है, ये सॉफ्ट तो बना ही है साथ ही साथ बिल्कुल बाजार जैसा भी बना है। ये देखिए आप देख सकते हैं, मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल हमारा बाजार जैसा बनकर आया है। इसे हमने 2 भाग में काट लिया है, अब इसे हम एक पानी के अंदर डाल देंगे, ये एक पीस और ये दूसरा पीस। पनीर हमारा बनकर तैयार है, बिल्कुल बाजार जैसा नरम और मुलायम पनीर बनकर आया है, और साथ ही साथ हेल्दी भी। आप इससे सब्जी, मिठाई या फिर कोई स्नैक बनाकर इजीली तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी पनीर बनाने की रेसिपी पसंद आई हो, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना ना भूले, अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन हो आपको इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय।